वेलकम टू कुकिंग फैंड फ्रेंड, मैं हूँ अनामिका। मैं बताने जा रही हूँ आज रेसिपी चीज़ पराठा की। आपका जब भी मन करे आप चीज़ पराठा बना के खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या दोपहर में भूख लगी बना सकते हैं। और हाँ, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना के रख सकते हैं। बच्चे पूरा पराठा खा के आएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि आज मेरे बच्चे ने पूरा लंच फिनिश किया हुआ है। क्योंकि बच्चों को चीज़ पसंद है तो आप इसे चीज़ पराठा बना के दे सकते हैं। और इसकी कटिंग आप पिज़्ज़ा शेप में कर सकते हैं, रोल बना के रख सकते हैं, या आप इसको इसी तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो बस मैंने गेहूं का आटा रेडी कर लिया है। उसके बाद इसमें चीज़ मैंने 1.5 स्पून रखा हुआ है, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि चीज़ में नमक होता है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर है उसे यूज़ कर रही हूँ, ऑर्गेनोज है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बच्चा नहीं खाता है ऑर्गेनोज तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट हाँ काली मिर्च ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। इसे फोल्ड कर देना है और बस इसको हल्के हाथों से बेलना है, हल्के हाथों से ही इसे बेलना है क्योंकि अगर पुश करके इसको दबाव से बेलेंगे तो ये जो चीज़ है बाहर आ जाएगा और पराठा अच्छे से सिकेगा नहीं। बस तवा है उसको गर्म कर लेना, तवा जब मीडियम गर्म हो जाए इस पे ये जो बिला हुआ पराठा है, चीज़ पराठा है, इसको इस पे रखना है और इसे 1 मिनट तक इसको धीमी आँच पे सेक लेना है। जितना पराठा आप धीमी आँच पे सेकेंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तरफ से पराठा जो है वो सीख गया है, अब दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेना है और आप इस पर बटर लगा के दोनों साइड से सेक लीजिए। आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं या टेस्ट अच्छा लाने के लिए आप रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, बटर और देसी घी ही लगाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है, पराठा भी सॉफ्ट रहेगा। तो बस इसको सेक लेना है। अब यहाँ पे मैंने घी लगाया है, बटर लगाया है और बस इसको मैंने दूसरी तरफ पलटा। ये देखिए कितना अच्छा बलून के जैसे फूल रहा है क्योंकि चीज़ का पराठा बन रहा है। तो बच्चे भी देखिए बहुत खुश हो जाएंगे कि आज मैं चीज़ पराठा लेके जाना है लंच बॉक्स में और वो पूरा लंच फिनिश करके ही आएंगे। तो बस इसको दोनों साइड से अच्छे से ब्रश करते हुए इसे सेक लेना है और बस इसको एक प्लेट में निकाल लें। ठंडा होने के बाद इसे पिज़्ज़ा की शेप में कट करिए या आपके पास रोल है रोल बना के इसको शेप इसकी दीजिए और आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा सॉस खाता है तो इसे टोमेटो केचप भी रख दीजिए तो आपका लंच बिल्कुल फिनिश हो के आएगा आपके बच्चे का और आप भी खुश होंगे, बच्चा भी खुश होगा और चीज़ तो सभी बच्चे को पसंद होती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है और अपने बच्चे के लंच बॉक्स के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों को बनानी है तो मेरी वीडियोस देखिए। तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए।